दोस्तों, स्वागत है आपका देवड़ा फैमिली ब्लॉग पर। और आज अष्टमी का दिन है तो मैं कन्या भोजन करवा रही हूँ आज। तो ये देखिए, मैंने रात को चने गलने के लिए रख दिए थे पानी में, तो ये चने भी अच्छे हो गए हैं। अब मैं इसको कुकर में रख दूंगी और अभी कन्या को रोशनी बोलने जाएगी। नौ कन्या को बोल के आएगी यहाँ फटाफट से। कन्या तो मिल जाएगी, आसान है, यहाँ पे बहुत कन्या लड़कियाँ हैं छोटी छोटी से। तो इससे डाल देती ये नमक। ये चने तो अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी इसमें दो आलू भी डालूंगी। चने उबलने के लिए रख दिए, इसे दो तीन सीटी होने के बाद बंद कर दूंगी। तब तक मैं पूजा कर लूंगी। ये फूल लेके आई थी मैंने नहाने के बाद तोड़ के। ये किसी ने देखा कि नहीं कमेंट में जरूर बताना, पर मैं आपको बता देती हूँ कि पारिजात के फूल है। तो इसका बहुत बड़ा पेड़ है आगे लगा हुआ, तो वही अभी तो कम गिर रहे फूल, नहीं तो पहले बहुत फूल गिरते थे। इतने थे तो मैं फेंकती थी कचरे में, क्योंकि वो कोई काम के नहीं थे, झाड़ू में रोज फेंकना पड़ता था कचरे में। और अभी बहुत कम हो गए। पारिजाति के फूल देखो, आपने कभी देखे कि नहीं है, इस तरह के से आते हैं। और इसके ऑरेंज ऑरेंज ये डंडी आती है हमें। तो गाइस देखिए, यहाँ पर खीर भी बन चुकी है और ये चने की सब्जी भी बन चुकी है। और मम्मी नीचे आटा गूंद रहे हैं पूरी के लिए। बस अब पूरी बनाना है, तो अभी पूरी बना लेते फट से। दोनों चीज तो बन चुकी है और बच्चे अभी आएंगे, बच्चों को बुला लेंगे जल्दी से। पूरी बची थी बनाना, तो पूरी भी बन चुकी है लगभग। और अब बस बच्चों को बुलाते कन्याओं को और खाना खिलाते, भोजन करवाते उनको। बोल के तो पहले आ गई, लेकिन अब आ जाएंगे। और रोशनी यहाँ पर मेरी मदद कर रही है पूरियां सेकने में, पूरियां तलने में मतलब। अब मेरे को रोशनी बोल रही है कि कुछ तलता है, जब सर ढाकते हैं तो मैं सर ढाक लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे बेटी का आदेश है, तो मैं सर ढाक ली मैंने। और सही में सर ढकना चाहिए, कुछ ऐसा तलने की चीज कुछ बनाओ ना, खाने बनाते समय सर ढकना चाहिए। तो हमारे यहाँ कन्या आ गई थी छोटी छोटी सी। तो ये देखिए, प्रफुल सबको परस रहा है, पत्तल वगैरह दे रहा है सबको, पत्तल दोनों। और नौ से ज़्यादा कन्या हो गई थी, 12-15। तो अच्छा है, हमारे नए घर में पहली बार कन्याओं ने स्वागत करा है और कन्या पूजन भी करी, कन्या भोजन भी कराया हमने। बहुत अच्छा लगा हमारे को सबको। रोशनी और प्रफुल्ल ने तो बहुत ज़्यादा मदद करी मेरे साथ में घर के काम में और बच्चों को खाना परोसने में। और उसके बाद में ये मैं यहाँ पे बच्चों को टीका कर रही हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे आज कि उन्हें 8वीं 9वीं 2 दिन तो ज़्यादा खाने को मिलता कन्या जिमने को। तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, आंटी थोड़ा थोड़ा देना, आंटी थोड़ा थोड़ा देना, हमको ज़्यादा भूख नहीं है। क्योंकि सभी जगह 2 दिन ज़्यादा बुलाते हैं आखिरी आखिरी में, 8वीं और 9वीं के दिन। तो यहाँ पर रोशनी सभी को खीर परोस रही है और प्रफुल्ल भी परोस रहा है, और मैं सबको प्रसाद दे रही हूँ, टीका लगा रही हूँ, और यहाँ पर केला नारियल सभी का भोग लगा रही, बच्चों को दे रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, पहली बार हमारे नए घर में सभी ने बच्चे आए, और एक छोटा सा बच्चा भी आया, वो पहली बार आया हमारे घर में, लंगूर है वो छोटा, पहली बार गए कहीं पे कन्या खाने। और ये सभी हमारे मोहल्ले के ही बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़कियाँ। और कन्या जी माने के पहले मैंने मंदिर में भोग भी लगाया था दुर्गा महारानी के पास, और उसके बाद मैं ये कन्याओं को भोजन करवा रही हूँ। तो बच्चे बोल भी रहे थे जो लड़कियाँ थी सभी कि आंटी खीर बहुत पसंद आई, खीर अच्छी लग रही, तो डबल डबल बच्चों ने खीर मांगे थे। बस बहुत अच्छा लगा आज मुझे कन्या जी माकर मेरे घर में पहली बार, नए घर में कन्या जी मई। तो और ये देखिए, छोटा सा बच्चा है, ये पहली बार कन्या जी में हमारे घर आए हैं, और कहीं पर भी नहीं गए थे, पहली बार इसी साल आए हैं। इसको रोशनी खिला रही है क्योंकि वो छोटा है ना, खुद नहीं खा सकता अपने हाथ से। तो बच्चे भी देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो उनको भी अच्छा लग रहा था।
और बच्चे बोल रहे थे कि आंटी हमको भी वीडियो मिले ना, आंटी हमको भी वीडियो मिले ना, तो सभी वीडियो की तरफ देख रहे थे और सबको वीडियो में लिया हमने। यार बहुत अच्छा आशीर्वाद दे दे हम। अच्छा आशीर्वाद दे दे हम। हाँ ये बात। क्या सोच रहा हूँ? देना उसको दे देना। सबको देना। सबको देना। और आना सबका। कृष्णा तो दिन था और आना। कन्या और बच्चों को जिमाने के बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिए थे सभी ने, और बस बच्चों को भिजवा दिए घर अपने अपने। और ये शाम का वीडियो है, तो हम लोग सब ग्राउंड चले गए थे, रोज़ जा रहे वैसे तो नवरात्रि में, और ये गरबा हो रहा था, बहुत सारे सभी बच्चे और बड़े सभी यहाँ पे गरबा कर रहे हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करिए पूरे वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर बहुत बहुत धन्यवाद।